हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई मजेदार कहानी जो कि ली गई है आपकी पुस्तक रिम झिम कक्षा 4 NCERT से। तो उस कहानी का नाम है दोस्त की पोशाक। क्या नाम है उस कहानी का? दोस्त की पोशाक। पोशाक का अर्थ होता है अचकन, यानी कि पहनने का कपड़ा। जी हाँ, तो दोस्त की पोशाक। तो यह भी नसीरुद्दीन पर ही आधारित एक कहानी है। इसमें भी नसीरुद्दीन एक अहम पात्र है। तो हमने दो कहानियां पढ़ चुके हैं नसीरुद्दीन की, तो हम एक और पढ़ने वाले हैं आज, जिसका नाम है दोस्त की पोशाक। तो जल्दी से निकालिए अपनी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 NCERT और निकालिए पृष्ठ संख्या 35। दोस्त की पोशाक। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। तो नसीरुद्दीन जी मिले हैं अपने बेहद पुराने दोस्त से, जो कि उनका बड़ा ही जिगरी यार है, और अपने बड़े पुराने दोस्त से मिलकर वे बहुत खुश है। ऐसा तो होता ही है, जब हम किसी अपने पुराने दोस्त से मिलते हैं तो सारी पुरानी अच्छी यादें ताजा हो जाती हैं। तो उन्होंने भी कुछ देर गपशप करी, अपनी पुरानी यादें ताजा करी, और फिर उन्होंने सोचा कि चलो मैं तुम्हें अपने मोहल्ले में घुमा कर लेकर आता हूँ, सबसे तुम्हें मिलवाता हूँ। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। जी हाँ, जमाल साहब जो कि है नसीरुद्दीन जी के दोस्त, उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया कि मैं लोगों से नहीं मिल सकता, क्योंकि मैंने बहुत ही मामूली सी पोशाक पहनी हुई है। ओहो, ये तो बड़ी ही मुश्किल की बात हो गई। अब जाना तो नसीरुद्दीन जी का तो बड़ा मन है जाने का, गली में घूमने का, मोहल्ले में घूमने का, और सबसे अपने पुराने दोस्त को मिलवाने का। पर अब जाएं कैसे? जमाल साहब तो कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ी मामूली सी अचकन पोशाक पहनी हुई है, अब वे नहीं जा सकते। तो नसीरुद्दीन जी ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। ओहो, तो नसीरुद्दीन जी तो बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही मददगार हैं। जैसे ही उनके दोस्त ने कहा कि मैं इस मामूली सी अचकन में नहीं जा सकता, वह क्या लाए? एक भड़कीली सी, चमकती सी, सितारों से जड़ी हुई सुंदर सी अचकन लेकर आ गए अपने दोस्त के सामने कि तुम इसे पहन लो और सब तुम्हें देखते ही रह जाएंगे, इसमें तुम बहुत ही अच्छे लगोगे। तो जमाल साहब हो गए खुश, बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। तो वह लेके गए अपने पड़ोसी के घर और उनसे क्या कहा कि ये है मेरे दोस्त जमाल साहब, इनसे बेहद दिनों बाद मेरी मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वो मेरी है। अरे ये किया नसीरुद्दीन साहब ने, पड़ोसी के घर जाके ये बता दिया कि जमाल साहब ने जो अचकन पहनी है वह अचकन सच में किसकी है? वह नसीरुद्दीन जी की है, वह अचकन जमाल साहब की नहीं है। तो ऐसा सुनकर जमाल साहब को कैसा लगा होगा, तो चलिए पता करते हैं। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ो पानी पड़ गया। क्या पड़ गया? घड़ो पानी पड़ गया। जी हाँ, यह एक तरह का मुहावरा है जिसका मतलब है कि वह शर्मिंदा हो गए, उनको ऐसा लगा कि उनकी बेइज्जती हुई है। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या ये बताना जरूरी था कि अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। तो जमाल साहब को यह बात बड़ी बुरी लगी कि नसीरुद्दीन ने
यह बात पड़ोसी को बता दी कि वह अचकन जमाल साहब की नहीं बल्कि नसीरुद्दीन की है। शर्मिंदगी तो हुई होगी जमाल साहब को। क्या आपके हिसाब से जमाल साहब को शर्मिंदा महसूस करना चाहिए था? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहानी में क्या होता है। नसीरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूंगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्म जोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। तो हुसैन साहब हैं इनके अब दूसरे पड़ोसी जिनके पास नसीरुद्दीन जी जमाल साहब को लेकर पहुंचे हैं। तो हुसैन साहब भी बड़े खुश हुए इन दोनों से मिलकर। उन्होंने बहुत ही गर्म जोशी से, मतलब बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सारी चीजों से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, क्या कहा होगा, क्या इस बार बताया होगा अचकन के बारे में? चलिए देखते हैं। जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? जी, जमाल साहब फिर हो गए हैं नाराज, क्योंकि वह यह भी नहीं चाहते थे कि वह किसी से झूठ बोले अचकन के बारे में। तो आपके हिसाब से जमाल साहब चाहते क्या है? जब सच बोला तब नाराज हो गए और जब झूठ बोला तब नाराज हो गए। क्या चाहते हैं जमाल साहब? तो चलिए देखते हैं अगले कहानी में क्या होता है। क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। तो जमाल साहब चाहते हैं कि नसीरुद्दीन कहीं पर भी जाकर पोशाक की बात ना करे, किसी को ना बताए कि ये पोशाक किसकी है, क्योंकि कोई नहीं पूछेगा कि पोशाक किसकी है, तो आप पोशाक के बारे में बात ना करें। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिरी पड़ोसी के घर जाने पर नसीरुद्दीन जी ने क्या बोला। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। और कैसे करवाया, चलिए देखते हैं। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं, यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। अरे रे, इन्होंने अचकन की बात कुछ ना कुछ तरीके से, कैसे ना कैसे अपनी बात में रख ही दी। अरे, अब आप मुझे बताइए कि इसके बाद जमाल साहब की प्रतिक्रिया कैसी होगी? क्या वह यही उत्तर सोच रहे थे कि नसीरुद्दीन को यही बोलना चाहिए, या फिर वह अब और गुस्सा हो जाएंगे कि हर बात में अचकन की बात डालना जरूरी है क्या? तो यह बात तो अब आप लोग मुझे बताएंगे। लेकिन जमाल साहब को तो बड़ा ही शर्मिंदगी महसूस हुई कि हर जगह जाकर नसीरुद्दीन जी ने क्या किया, अपनी अचकन की बात कहीं ना कहीं से डाल ही दी वार्तालाप के बीच में। वाह, क्या कहानी थी, बड़ी ही मजेदार, है ना? आपको कैसी लगी ये कहानी? मुझे तो बेहद मजा आया ये पढ़ने में। आप भी अपनी पुस्तक निकालिए और सबको ये कहानियां सुनाइए। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक अन्य कविता, कहानियां, क्रियाकलाप लेकर।